हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करेंगे आरडी शर्मा क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स। और इन एग्जांपल्स में क्या है, इन एग्जांपल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स है। उन वर्ड प्रॉब्लम से हमें ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, इसको सोल्व करके वैल्यू पता नहीं करनी है। तो कैसे करेंगे देखो भाई। और ये जो एग्जाम्पल्स है सारे मिक्सअप एग्जाम्पल्स हैं, जो लास्ट में अपन वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे ना, तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स में डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स थी हमारे पास। जैसे नंबर्स पे थी, टू डिजिट नंबर्स पे थी, क्वांटिटीज पे थी, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे थी, टाइम एंड वर्क पे, वो सब मिक्सअप करके बनाई गई है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। देखो पहले तो दो नंबर लेने हैं और दोनों कॉन्जुगेटिव होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। भाई आपके पास पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 है। अब मैं कॉन्जुगेटिव लेने हैं ऐसे, तो मैंने माना भाई कि एक नंबर 3 है, 3 को मैंने x ले लिया, तो 4 कैसे आएगा, इस 3 में प्लस 1 किया होगा तभी तो 4 आएगा। तो मैंने कहा x अगर मेरा एक नंबर है तो इसके साथ कॉन्जुगेटिव कौन होगा, x प्लस 1। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर x और x माइनस 1 भी तो पॉसिबल है। मैंने कहा हाँ भाई ये भी पॉसिबल है, बट अपन तो पॉजिटिव सोचने वाले हैं, तो एक x लेंगे और एक उसके बाद वाला लेंगे x प्लस 1। तो x आपका एक अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके साथ कॉन्जुगेटिव कौन ले रहे हो आप, एक्स प्लस वन ले रहे हो। समझ में आया कैसे लिया, क्यों लिया, रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और हमें कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट 240 है। तो आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा लेट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस वन। यहां तक बात ठीक है। चलो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट, तो आप लिखोगे एक्स को अगर मैं एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 240 मिलेगा। फिर कह रहा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज इंटीजर्स। हमें कह रहा है कि इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब जो आपके पास इक्वेशन बन रही है इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख दो। तो आपने कहा ठीक है सर, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, 240 को इधर ले आएंगे तो -240 इक्वल में 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है सबको। अब देखो इसको हमें सोल्व नहीं करना है, मतलब एक्स की वैल्यू पता नहीं करनी है, ठीक है ना, बस इतना ही लिख के देना था। सोल्व कर लेंगे और इमीडिएटली हम स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। मैं चलो 240 के फैक्टर करेंगे, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस प्लस वन आए, जिनका डिफरेंस क्या है, प्लस वन आए। बड़ा नंबर प्लस का रहेगा, छोटा नंबर माइनस का रहेगा, ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये कि सर 240 के क्या हम ऐसे फैक्टर करेंगे, 240 में सबका डिवाइड कर करके पहले फैक्टर निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अपन एक दिमाग लगाएंगे। वो हम बातें आपको बताते रहेंगे साथ में, जब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, कैसा लगा एग्जाम्पल, समझ में आया। चलो एग्जाम्पल नंबर टू देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका मान लेता हूँ मैं वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका एरिया आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रिथ। जो लेंथ है वो ब्रिथ की ट्वाइस है और उससे एक ज्यादा भी है। तो मैंने कहा देखो मुझे तो पता है कि लेंथ और ब्रिथ होती है, पता है सबको पता है। अब लेंथ जो है वो डिपेंड है किस पे, ब्रिथ पे। अगर आपको ब्रिथ पता चल जाए तो लेंथ को क्या करा है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रिथ से एक ज्यादा है। तो लेंथ किस पे डिपेंड है बच्चा लोग, ब्रिथ पे डिपेंड है। तो आप यहाँ पे लेट किसको करोगे, ब्रिथ को करोगे। अब आप कहोगे सर लेंथ को भी तो लेट कर सकता हूं, मैंने कहा कर तो सकते हो, मना नहीं कर रहा, बट इक्वेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें इसके लिए आपको ब्रिथ को लेट करना चाहिए, ठीक है, उससे क्वेश्चन आसान लगेगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई साहब। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस कर ली कि सर, अब एक बच्चा बोला मेरे को कि सर अगर ऐसा हो कि मैं यहाँ पे लेंथ को एक्स ले लेता हूँ और ब्रिथ को वाई ले लेता हूँ, तो पहली चीज तो एरिया गिवन है तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू 528 है। मैंने कहा ठीक है। सेकंड लाइन कह रहा है कि लेंथ इज एक्स इज ट्वाइस द ब्रिथ से एक ज्यादा, तो इक्वेशन वन और टू तो बन गई, इनको लीनियर इक्वेशन बना के नहीं सोल्व कर सकते। मैंने कहा यार कैसे करोगे, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, निकालोगे इससे, इसमें पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ये वाली बात थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से समझ में आ रही है कि इन्फॉर्मेशन हमारे को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं गिवन है,
ठीक है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ओके तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लेट करेंगे, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एक्स मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज टू टाइम्स ऑफ ब्रीथ प्लस वन, ये वाली लेंथ बन गई भाई। अरे कह रहे ना वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रीथ से एक ज्यादा मीटर में। एंड एरिया क्या होता है भाई, एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल का एरिया लगाओगे, क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ हो जाएगा, यस और नो, यस सर बात तो सही है। देयरफोर लेंथ इनटू ब्रीथ 2x प्लस 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करो, ये लेंथ है ये ब्रीथ है, तो एरिया बनेगा और वो एरिया कितना गिवन है आपको 528 गिवन है। ओके क्लियर हुआ सबको, नाउ मल्टीप्लाई कर लो भाई x से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और उधर से 528 इधर ले आओ तो माइनस का 528 इक्वल 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ओके अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो लेंथ और ब्रीथ दोनों पता कर सकते हो, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3, ए टू डिजिट नंबर, तो मैंने कहा भाई देख टू डिजिट नंबर अगर 27 है तो 27 कैसे बना होगा, सर 27 20 इंटू 7 मतलब 2 इंटू 10 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 7 इंटू 1, मतलब यहाँ पे टेंस डिजिट होती है, यूनिट डिजिट होती है, और इस तरीके से टू डिजिट नंबर बनता है। ये बात पहले बताइए मैंने चैप्टर 3 में और दोबारा बता दी, बस आपके काम की है। तो कह रहा है ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12, दो डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 है। ओके सर, व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डिजिट्स ऑफ द नंबर्स। अब यहां पे आप कहोगे सर प्रोडक्ट गिवन है तो क्या करना होता है, मैंने कहा देखो भाई आप एक डिजिट लेट कर लो, तो आपने लेट किया लेट यूनिट डिजिट इज एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट मतलब इसका मल्टीप्लाई, ये यूनिट क्या लिख दिया मैंने, यहां पे यूनिट लिखना है भाई, यूनिट डिजिट इनटू टेंथ डिजिट, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या गिवन है 12, तो आप यहां से टेंस डिजिट बता सकते हो मेरे को क्या हो जाएगी बच्चा लोग, तो आप बोलोगे सर टेंस डिजिट हो जाएगी 12 डिवाइड बाय यूनिट डिजिट, 12 डिवाइड बाय यूनिट डिजिट, यस सर। तो नाउ क्या मैं इसको 12 अपॉन एक्स लिख सकता हूं, क्या सर ऐसे ही हम टेंस डिजिट को लेट करके निकाल सकते थे, मैंने कहा ऑब्वियसली निकाल सकते थे, आप टेंस डिजिट लेट कर लो, फिर आपको क्वेश्चन क्या करा है ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो मैंने कहा यूनिट डिजिट इंटू टेंस डिजिट, भाई इस नंबर की डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या होगा 2 इंटू 7, 2 क्या है टेंस डिजिट, 7 क्या है वंस डिजिट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 12 गिवन है होता, यहां पे तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो 14 हो रहा है, तो 34 ले लो नंबर, ठीक है 62 भी ले सकते थे और 26 भी ले सकते थे, और 12 तो नहीं होता, ठीक है ना 43 भी ले सकते थे, और कुछ होता है नहीं होता। चलो नाउ अब आपको ये बात समझ में आ गई, चलो फिर अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो सर नंबर क्या हो जाएगा यहां से, मैंने कहा नंबर मतलब नंबर होता है सर, नंबर कैसे बनाते हैं, तो हमने कहा देखो साहब टू डिजिट नंबर ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस डिजिट, इस तरीके से नंबर बनाते हैं भाई, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट एक ही बात होती है, मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो आप, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट को, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं टेंस डिजिट को, तो आपका नंबर बन जाता है। तो आपने कहा ठीक है साहब 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 अपॉन एक्स को प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स को, ठीक है तो आपका ये हो गया 120 अपॉन एक्स प्लस एक्स, ये आपका नंबर है टू डिजिट नंबर। When 36 is added to the digits interchange their places. तो अगर digits interchange कर लेती है their places, तो इस बात का मतलब क्या है? मान लो आपका number 32 है,
इसमें डिजिट्स इंटरचेंज हो गई तो नंबर क्या बन गया भाई, 23 बन गया। मतलब जो वंस डिजिट थी वो टेंस बन जाए और टेंस डिजिट को क्या बना दो, वंस डिजिट। तो आप यहां पे बोलोगे रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ू तो ऐसे बोल सकता हूं, मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट डिजिट से प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दो टेंस डिजिट से। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, रिवर्स नंबर कब बनता है। सर रिवर्स नंबर का मतलब है 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से। एक तो तरीका ये है, अगर जिसको ये बात कम समझ में आ रही है उसके लिए मैं दूसरी बात बता देता हूँ। अगर आप रिवर्स नंबर की बात कर रहे हो तो यहाँ से आप ये समझोगे कि सर इस रिवर्स नंबर की यूनिट डिजिट क्या रहेगी, जो ओरिजिनल नंबर की टेंस डिजिट है तो आप लिखेंगे 12 अपॉन x, और इसकी टेंस डिजिट क्या रहेगी जो ओरिजिनल नंबर की यूनिट डिजिट है वो, तो x। ओके अब यहां से तुम बना लो नंबर, तो कैसे बनाओगे भाई नंबर। तो आपने कहा देखो सर आपके पास यूनिट डिजिट क्या है 12 है, टेंस डिजिट क्या है x है, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर। नंबर तो वैसे ही बनते हैं, कैसे बनते हैं सर, 10 से मल्टीप्लाई होता है टेंस डिजिट, ओके, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा यूनिट डिजिट। अरे लॉजिक तो यही ना, 2 डिजिट रिवर्स नंबर बनाना है तो भी वही सेम पैटर्न लगेगा। तो आप लिखोगे 10 को मल्टीप्लाई करना है टेंस डिजिट x है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 अपॉन x को, ये यूनिट डिजिट है। तो नंबर बन गया 10x प्लस 12 अपॉन x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, अगर तुम 36 ऐड करते हो नंबर पे तो क्या होता है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, आप नंबर में ऐड कर दो 36 तो आपको क्या मिलेगा, रिवर्स नंबर मिलेगा। ये बात लिख रहा हूं, तुम लिखना नहीं चाहो तो भी काम चल सकता है, तुम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो। तो आपने कहा नंबर क्या है, नंबर हमारा है 120 अपॉन एक्स प्लस एक्स, इसमें अगर हम 36 ऐड कर दें तो हमारा रिवर्स नंबर बन जाएगा, रिवर्स नंबर क्या है 10x प्लस 12 अपॉन एक्स। ओके अब तुम चाहो तो थोड़ा आगे पीछे कर लो, इनको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ये यहीं पर रख लो, जैसे 120 अपॉन एक्स को यहीं रखा, प्लस एक्स यहीं रखा, माइनस का 10x बन गया इधर आके, और इधर आके माइनस का 12 अपॉन एक्स बन गया, प्लस का 36 है, इक्वल में लिख दो 0। बच्चा लोग एलसीएम ले लो, इसके नीचे एक्स है और इसके नीचे भी एक्स है तो एक्स ही एलसीएम आ जाएगा, 120 तो सेम रहेगा, प्लस इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, जिसके नीचे 1 होता है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यूमरेटर को। तो इस एक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस 12 ही लिखना पड़ेगा, x कैसे लिखेंगे अपन, ठीक है ना, प्लस का कितना हो जाएगा 36x इक्वल में 0 है बच्चा। इस x को उधर 0 के पास भेज दो, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 9x स्क्वायर हो गया, और x की टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो सर ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई अपने साथ। अरे यार ये तो गड़बड़ नहीं होगी क्या, मेरे को ही लग रहा है या तुम्हारे को भी लग रहा है। सर मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है यार, एक्स की टर्म तो होनी चाहिए ना, ये तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर, ध्यान से देखो बड़े ध्यान से, हाँ ये 36 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये दिक्कत थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो तो यहाँ पे ये हो गया, प्लस का 36x आ गया, और 120 माइनस 12 कितना आएगा, प्लस का आंसर आएगा सर 8, और 11 में से 1 गया 108 इक्वल में 0। अब देखो यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 4x, और ये माइनस का, ध्यान से देखो 9 का डिवाइड, 9 वन जा 9, 9 टू जा 12, 9 टू जा 18 इक्वल में 0। तो यहाँ से बच्चा लोग आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का नहीं माइनस का ही 12 इक्वल में 0। अब तुम कहोगे सर आर डी शर्मा से तो क्यों आंसर मैच नहीं हुआ, मैंने कहा हाँ यार, तो आर डी शर्मा ने क्या किया पता है, आर डी शर्मा ने टेंस डिजिट को एक्स सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया। आप भी एक बार उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना और इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना, अगर कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके उसमें कैलकुलेशन को शॉर्ट तरीके में किया हुआ, इसलिए आपको लग रहा है कि वो तो छोटा सा था, आपने बहुत बड़ा किया है भाई साहब, कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है चीजों के। ओके नाउ नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, रोहन की माता उससे, हिम मतलब उससे, 26 ओल्डर है। तो देखो रोहन की मदर की जो एज है वो अपने बेटे से 26 ओल्डर है, ओल्डर मतलब ज्यादा, तो रोहन की मदर की एज किस पे डिपेंड कर रही है, रोहन पे। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट रोहन
परसेंटेज क्या लेट करेंगे हमेशा, एज का जब भी क्वेश्चन है परसेंटेज लेट करना एक्स ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर रोहन, रोहन्स मदर लिख देता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन्स मदर परसेंटेज इज उससे भी 26 साल बड़ी है, तो आप लिखोगे x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जाओ पहले तो भाई, अभी आप x ईयर के हैं तो 3 साल बाद कितने बड़े हो जाएंगे बच्चा, आप अभी 10 साल के हो 3 साल बाद कितने बड़े हो जाओगे, तो आप कहोगे 10 प्लस 3 हो जाएंगे, 3 साल पहले 10 माइनस 3, तो इसकी जगह बस x लिख लो। तो अब याद हो गया, समझ में आ गया कि x प्लस 3 और पीछे जाते तो x माइनस 3 होता, भाई x को देख के घबरा जाता, तो इसलिए मैंने उसको ईयर्स में एक्सप्लेन कर दिया पहले। तो आप कहोगे आफ्टर 3 ईयर्स, भाई आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद रोहन एज क्या रहेगी, रोहन एज क्या मैं x प्लस 3 ईयर्स लिख सकता हूं, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड मदर एज क्या हो जाएगी, मदर एज, अरे उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर देखो x प्लस 26 अभी है उसमें प्लस 3 कर दो तो ये हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट क्या है, 360 है, तो आप लिखेंगे x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल में आ गया 360। ओके भाई क्लियर हो रहा है, चलो इसको प्रोडक्ट करो। तो आपने कहा सर देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 होता है, और फिर 3 से 2 को 6 और 87 कितना आ गया 87 इक्वल में 360। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 29 में 3 ऐड करोगे तो 32 हो जाएगा बच्चा लोग, प्लस का 87 है, उधर से माइनस 360 इधर आ गया, प्लस का था इधर आके माइनस का बन गया। अब इसमें से 360 माइनस कर दो 270 आएगा और 73 आएगा, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल जीरो, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके बच्चा लोग समझ में आ रहा है पक्का, कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करा यार, दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो मैं एग्जाम्पल्स में ज्यादा बातें समझाता हूँ कंपेरिजन टू क्वेश्चन। ओके नाउ नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस, एक मिनट रुकना भाई एक मिनट रुको आप, हाँ भाई अब डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है वो यहां से लेके यहां तक जा रही है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। ओके मैंने कहा यार मेरे को स्पीड भी नहीं पता टाइम भी नहीं पता। ओके इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड में चेंज हो गया, तो आपने कहा ठीक है सर स्पीड लेट कर लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या लेट कर लेते हैं वाई आवर्स। क्यों, मैंने कहा देख डिस्टेंस आपको गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लेगी, तो इसका मतलब है स्पीड और टाइम को ही वो इंटरचेंज कर रहा है, मतलब उसके अंदर ही कुछ छेड़खानी कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो एक चीज नोटिस करके रखना, याद भी रखना कि जब हमें कोई चीजें लेट करनी होती तो हम एक दिमाग में क्लियरिटी रखेंगे कि जिन चीजों में चेंजेस कर रहा है उनको ही हम लेट करें, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा और समझने में और एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल एक्स किलोमीटर पर आवर। अब मेरे बच्चा बोला कि सर टाइम तो मैं लेट कर ही नहीं सकता, मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, तो ये बात तो सही, टाइम तो आप लेट नहीं कर सकते वाई तो ले नहीं सकते, तो सर टाइम कैसे आएगा, मैंने कहा टाइम का फॉर्मूला याद करो, तो आपने कहा सर स्पीड का फॉर्मूला याद है मेरे को तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने कहा यहाँ से टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम उसको ओरिजिनल में लगता 480 अपॉन x, भाई उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो x है और वो 480 किलोमीटर जा रही है तो कितना टाइम लेगी, तो हमने कहा कि सर 480 अपॉन x आवर्स लेगी नॉर्मली। तो अब उसने केस क्या डिसाइड कर दिया, उसने केस डिसाइड किया है कि अगर स्पीड क्या कर दूं मैं एक्स माइनस 8 कर दूं तो वो टाइम कितना लेगी, 3 घंटे ज्यादा लेगी टू कवर द सेम डिस्टेंस, पहले कितना टाइम ले रही थी ये टाइम ले रही थी, अभी हमारे अकॉर्डिंग टाइम क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, तो हम कहेंगे सर अभी टाइम आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग तो 480 अपॉन x माइनस 8। वो कह रहा है कि इन दोनों टाइम में क्या डिफरेंस है,
ये टाइम ज्यादा है कंपेयर टू दिस, कह रहा है ना 3 आवर मोर, तो आप कहेंगे उस टाइम में, मान लो ये टी वन टाइम है टी टू टाइम है, तो आप टी वन टाइम में अगर 3 आवर ऐड कर देते हो तो आपको टी टू टाइम मिलेगा। या फिर इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि टी टू टाइम ज्यादा है उसमें से 3 माइनस करोगे तो हमारे को टी वन टाइम मिलेगा। भाई साहब किसी चीज की स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लेगी ना, तो आपको ये समझना है कि ये टी टू टाइम ज्यादा है कंपेयर टू टी वन टाइम, क्योंकि उस टाइम पे स्पीड एक्स है और अभी स्पीड कम हो गई। देख लो भाई 480 में एक्स का डिवाइड करो, एक नंबर का डिवाइड करो और उससे छोटे का, एक्स माइनस 8 इज लेस देन एक्स, तो आपके पास किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली टी वन की वैल्यू है, टी टू की, टी टू की वैल्यू ज्यादा आएगी। ओके तो इस तरीके से दो कंडीशन बन सकती है, आपको जो पसंद आए वो लगा देना। और यहां से एक बच्चा बोला कि सर टी टू माइनस टी वन इक्वल 3, ये सही है क्या? मैंने कहा ये एकदम से सही है, ये तो पक्का ही सही है। ओके तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इक्वल है 480 किलोमीटर, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर्ड 480 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप लिखेंगे 480 अपॉन एक्स किलोमीटर आवर्स, नॉट किलोमीटर। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड क्या है, सर स्पीड हमारे पास एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, जो ओरिजिनल स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। टाइम और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको, सर उसको डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर, और देयरफॉर आप बोलोगे टाइम कितना हो सकता है इस सिचुएशन में, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग, बच्चा लोग 480 डिवाइड बाय एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, टाइम क्या हो जाएगा आवर्स हो जाएगा ना। अब हम इसको बोलेंगे साहब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों टाइम्स को कंपेयर कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अब उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, कह रहा है कि नहीं कह रहा? हाँ सर, तो पहले उसको जो टाइम लग रहा था और अब उसको जो टाइम लग रहा है उनमें 3 का डिफरेंस है, तो हम अगेन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 बार लिखना पड़ा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी जो टाइम है दैट इज 480 डिवाइड बाय एक्स माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाय एक्स, इन दोनों टाइम्स में कितने का डिफरेंस है, 3 आवर्स का। देखो ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में और ये भी आवर्स में, तो डायरेक्ट हम रख सकते हैं, मिनट में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता। अब चलो कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस 8 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 480x माइनस एक्स माइनस 8 इंटू 480 इक्वल में 3, कैलकुलेशन बन गई अच्छी सी। देखो न्यूमरेटर को सोल्व करता हूँ तो 480x होगा माइनस 480 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से देखो एक मिनट, ऐसे लिख रहा हूँ कि 480 जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 8 से। ओके तो ये हो जाएगा माइनस का 480x, फिर प्लस 480 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा लोग तो आपको मिलता है 3840, डिवाइड में क्या चल रहा है, x से अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में क्या है 3 है। सर ये तो कट गए, मैंने कहा वेरी गुड, तो हमारे पास बचा 3840 इक्वल में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3840 इक्वल में 3x स्क्वायर माइनस 24x, इस 3840 को उधर ले जाओ भाई, कहाँ ले जाओ उधर, तो आप लिखोगे 3x स्क्वायर है उधर, माइनस का 24x है उधर, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3840 आएगा और इक्वल में लिख दो 0। सर को सिंप्लीफाई हो सकता है, मैंने कहा यार हो तो सकता है, क्या हो सकता है, बोला सर एक काम करो 3 कॉमन लेके देखो, तो मैंने कहा 3840 में 3 का डिवाइड जाएगा जरूर जाएगा, तो इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1280 इक्वल में 0, और इस 3 का डिवाइड उधर कर दो 0 के पास में, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इक्वल में 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको समझ लोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में दिक्कतें कम आएंगी, क्योंकि इक्वेशन तक का काम तो हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, अभी तक हम इक्वेशन बनानी सीख रहे हैं। ओके आई थिंक एग्जांपल नंबर 5 क्लियर है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई साहब। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो यार तुम लोग, मुझे नहीं पता कैसे भूल जाते हो बट भूल जाते हो। ओके मत भूलना भाई, चलो फिर फ्लो फ्लो में नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। ओके
इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। देखो मुझे पता है कि एक स्क्वायर बड़ा होगा और एक स्क्वायर छोटा होगा, क्यों सर? मैंने कहा उसके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले का पेरीमीटर माइनस किया होगा तो 24 आया होगा। हाँ ये बात तो सही है ना। एक स्क्वायर की साइड लेट कर लेते तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरे स्क्वायर की साइड क्या है। तो आपने यहां पे लिखा लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर या फर्स्ट स्क्वायर इक्वल में एक्स मीटर। एक्स मीटर में क्यों लिया भाई? क्योंकि सर ये 468 है और मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और डिफरेंस भी मीटर में है तो मीटर में ही साइड लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ओके, तो यहां से इसका पेरीमीटर निकालो। तो आप कहोगे कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर लिख लेता हूं यार, या लार्जर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मैं यहां पे कह रहा हूं फर्स्ट स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। मैंने कहा ओके, तो आपने लिख दिया 4x मीटर अकॉर्डिंग टू क्यों सर? इस पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 है और एरिया का सम 468 है। तो मैंने कहा यार पेरीमीटर से मैं दूसरे स्क्वायर की पेरीमीटर निकाल सकता हूं और साइड भी निकाल सकता हूं, दोनों काम कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि डिफरेंस है तो मैंने माना है कि फर्स्ट स्क्वायर बड़ा है। ओके, तो लार्जर भी बोल सकते थे। एक काम करो इसको लार्जर ही बोल दो, फिर कन्फ्यूजन ही खत्म। देखो धीरे धीरे मैं मिटा मिटा के चीजें तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। क्यों लार्जर काम में लिया, कहां प्रॉब्लम आई, इसलिए लार्जर स्क्वायर लिया, ठीक है ना? क्या गलत लिख दिए कि लार्जर की स्पेलिंग? चलो सही लिख देता हूं यार, LARGER। तो आप कहेंगे पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस, क्योंकि डिफरेंस था इसलिए बड़ा और छोटा लेना पड़ा भाई, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल गिवन है 24। तो भाई साहब यहां से इसकी वैल्यू तो 4x है माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 24 ही आएगा। ओके सर, मैंने कहा 24 को LHS में लाओ और पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर को RHS में ले जाओ। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि सर पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, थोड़ी लाइनें बड़ी हैं तो आराम से लिख रहा हूं, इक्वल 4x प्लस 24 मीटर। ध्यान से देखो भाई, 4x इधर ही था, 24 को इधर लाया, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर को उधर ले गया, तो ये तो प्लस का हो गया, 24 इधर आके माइनस का होगा। अरे सर ये बात तो सही, आपने प्लस का लिख दिया था, मैंने कहा ठीक है। नाउ पेरीमीटर क्या होता है? 4 × साइड होता है, 4 × साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके सर, इक्वल में कितना है भाई? 4x माइनस 24। नाउ साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर 4x माइनस 24 डिवाइड बाय 4। मैंने कहा ऊपर से 4 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 आएगा, डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया x माइनस 6 मीटर। ओके, मतलब जो बड़ा स्क्वायर था उससे छोटी है साइड, तो ये अपने स्मॉलर वर्ड सही यूज में लिया। अब आपको बड़े वाले स्क्वायर की साइड पता है, छोटे वाले स्क्वायर की साइड पता है, और हमें कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम। तो आपने कहा सुनिए साहब, हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या होगा भाई? सर एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड एरिया, ये ऊपर आर क्यों लगा दिया मैंने यार, क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप लिखोगे एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्यों सर? इन दोनों के एरिया का स्क्वायर का सम, अरे दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स क्या गिवन है? ये गिवन है सर हमारे को कितना भाई? 468। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपने कहा देखो सर ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहां पे हम a माइनस बी का स्क्वायर लगा देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है,
अप्लाई कर दो, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू सिक्स इक्वल में 468, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x माइनस 468 इक्वल जीरो। भाई सभी टर्म्स LHS में लाएंगे, तो आपने कहा सर देखो 468 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 36, तो आंसर तो माइनस में लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इक्वल में जीरो। देखो बच्चा लोग 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 इक्वल जीरो 216। अब इस 2 को डिवाइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 216 इक्वल जीरो। दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कितना काम करना पड़ा भाई, है ना। पर आर डी शर्मा ने तो छोटी सी लाइनों में काम चला दिया था, बट मेरा काम समझाने का था, मैंने सारा समझाया तुम्हें, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। अब जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए रिक्वेस्ट है भाई साहब, एक बार वीडियो दोबारा देखो, और छोटी छोटी बातें जहां प्रॉब्लम है वो पूछो कमेंट करके, टाइम स्लॉट के साथ पूछोगे तो और भी अच्छा है, बेहतर रहेगा मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि मैं जल्दी बता पाऊंगा अच्छे से सोच समझ के, जिस पॉइंट को आप पूछना चाहते हैं उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज मुझे पूरा क्वेश्चन तुम्हें कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे भी, तुम्हें भी लगता होगा। चलो फिर ये बातें आप करते रहेंगे अपन। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल नंबर से क्या कह रहा है सर, ये बहुत कुछ बातें कह रहा है। टू वाटर टेप्स टूगेदर फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। दो वाटर टेप्स है, मतलब दो पानी की पाइप है, वो एक टैंक को फिल करती हैं मिलकर, मतलब दोनों को चला के रखा कितनी देर, 9 होल 3/8 आवर्स। ठीक है, मतलब क्या है भाई साहब, देखो ये आपका मान लेता हूँ वाटर टैंक है, इसमें दो पाइप है, एक पाइप ये रही दूसरी पाइप ये रही, इन दोनों पाइप्स को आपने चला के रखा कितनी देर, 9 होल 3/8 आवर्स, इतना टाइम चला के रखा। और इसको मैं लिखूं तो 9 8 72 होता है प्लस 3 75/8 आवर्स चला के रखा। ठीक है, तब जाके वाटर टैंक फुल हो गया। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। द लार्जर, इसमें बड़ा है तो मान लेता हूँ ये लार्जर वाला है और ये स्मॉलर वाला है। द लार्जर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। इस बात का मतलब क्या है कि सर अगर ये टैंक है, इस टैंक में अगर आप लार्जर वाले को चला के रखो और इसी टैंक में मान लो आप स्मॉलर वाले को चला के रखो, तो अकेला स्मॉलर वन जितना टाइम लेगा उससे लार्जर वन 10 घंटे कम लेगा अकेले में। तो आपने यहां पे क्या लिखना है, देखो हमें यहां पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अकेला आदमी कितनी देर में काम को करता है, किसी भी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करता है। मान लो तुम्हें इस बॉक्स को कलर करना है, ध्यान से समझना, तो आपने कहा सर इस बॉक्स को कलर कर देता हूं मैं 5 डेज में, तो मैंने कहा 1 डे में कितना काम किया तुमने, तो आपने कहा टोटल काम था मुझे इस कंप्लीट को फिल करना, यूनिट वर्क है, डिवाइड बाय 5, तो 1/5 पार्ट ऑफ दिस बॉक्स, मान लो 5 इक्वल पार्ट्स करता हूं मैं इसके, तो एक पार्ट तुम एक दिन में कंप्लीट करते हो, दूसरे दिन में दूसरा पार्ट कलर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और दूसरी बात, आपकी एफिशिएंसी इस टाइप के क्वेश्चन में सेम रहने वाली है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1 डे का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि साहब पहले तो ये पता कर लेते हैं कि वो अकेला कितनी देर में काम करेगा। तो ये कह रहा है लार्जर वाला स्मॉलर वाले से 10 घंटे कम ले रहा है, तो मुझे स्मॉलर वाले का टाइम तो पता ही नहीं कि वो अकेला कितनी देर में फिल कर रहा है। तो आपने कहा सोल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे, लेट स्मॉलर टेप टेक्स टाइम, टेक्स ध्यान आराम से कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, टेक्स टाइम टू फिल द टैंक सेपरेटली इक्वल एक्स आवर्स। माना कि छोटे वाली पाइप इसको एक्स आवर्स में फिल कर रही है एक्स एच, ठीक है ना, एक्स आवर्स में क्या कर रही है, फिल कर रही है मान लिया मैंने। पर मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर टेप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक सेपरेटली। रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया था कि 10 घंटे कम ले रही है, तो आप इसको लिखोगे x माइनस 10 आवर्स,
अब देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था, कब, जब हम चैप्टर थ्री में इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा लोग आराम से समझ लो, आगे आने वाले क्वेश्चनों में कभी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब वो बच्चा सोच रहा है ये क्वेश्चन तो आसान है, मैंने कहा कैसे, बोला सर मैं यहां से निकालूंगा कि ये स्मॉलर वाली 1 घंटे में कितना फिल करेगी। तो हम यहां पे लिख रहा हूं स्मॉलर टेप 1 आवर्स में कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल करेगी। तो आप कहोगे टोटल वर्क 1 है डिवाइड बाय एक्स, टोटल टाइम एक्स, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल, ठीक है ना, पार्ट ऑफ टैंक, क्या बात पकड़ में आ गई। अरे भाई साहब टोटल टाइम उसको एक्स आवर लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगी, उसका एक्स पार्ट फिल करेगी ना, ठीक है ना, 1/x। यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ तुम्हारे को जिसको नहीं पता हो सकता है मुझे भी पता, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, देखो आपने अगर क्लास 8 में वाओ मैथ्स की बुक पढ़ी है ना, बाकी भी कुछ बुक्स हैं, तब तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि वाओ मैथ्स की बुक में ऐसा क्वेश्चन थे 8th क्लास में। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि 1 डे वर्क या हो 1 आवर वर्क, ठीक है ना, 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क डिपेंड करता है कि वो काम कितने दिनों में हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं अपन, टोटल टाइम डिवाइड बाय, नहीं ऊपर तो लिखते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। हर क्वेश्चन इस एक फॉर्मूले पे हो जाता है, बस सिंगल फॉर्मूले पे। मैंने कहा स्मॉलर टेप 1 घंटे में इतना पार्ट फिल करेगी, तो बताओ लार्जर टेप जो है, लार्जर टेप मतलब नल, ठीक है ना, नल बोलते हैं ना अपन, टूटी, तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगी। तो आप कहोगे सर ये करेगी 1/(x-10) पार्ट ऑफ टैंक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो साहब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 होल 3/8 आवर्स अगर दोनों पाइप्स को, टू वाटर टेप्स टुगेदर, दोनों पाइप को चला के रखेंगे तो टैंक फिल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहां से लिख सकता हूं कि 1 घंटे में इतना पार्ट फिल किया, तो इसको चला के कितनी देर रखना है, 9 होल 3/8 आवर्स, तो इसमें इसने कितना फिल किया होगा, 1/(x) से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या किया सर मैंने, मैंने कहा देख भाई मेरे को पता चला कि तू 1 डे के अंदर 4 पेज लिखता है, ठीक है, 1 दिन के अंदर तू 4 पेज राइटिंग कर लेता है, और मैंने कहा कि तू 10 दिन में कितना करेगा। तो आप कहोगे सर 10 डेज में 10 × 4, सीधी सी बात है। तो वही काम मैंने किया कि 1 घंटे में इतना पार्ट फिल कर रही है, तो इतने घंटे चलानी पड़ेगी दोनों को साथ में, तब जाके टैंक फिल होगा। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, स्मॉलर टेप का 9 होल 38 आवर्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको 1/(x) से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सिमिलरली 9 होल 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/(x-10) से। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके टैंक को फिल कर दिया, और टैंक को फिल करना हमारा टोटल वर्क है यहाँ पे, और वो कितना है 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा लोग 1 हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई तुम्हारे को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत हो इसका मतलब भाई साहब कॉन्सेप्ट में बहुत सारी गड़बड़ है, उसको सुधारो, ठीक है। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा देखो सर सीधी सी बात है, 9 होल 30/8 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 8 = 72, 75/8 × 1/(x) प्लस 75/8 × 1/(x-10) इक्वल में क्या है 1 है, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मैं यहां से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 75/8 x प्लस 75/8 x-10 इक्वल में 1, ओके। इधर एलसीएम ले लो क्या आएगा, 8 तो है एक बार, x × x-10, ये इसका एलसीएम हो गया। तो 8x का डिवाइड करोगे तो 75 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-10 से, प्लस इधर 8 × x-10 का डिवाइड करोगे तो x बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 75x = 1। 75 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 75x - 750 प्लस 75x इक्वल में 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 8x को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं 8x² - 80x, सभी टर्म्स को उधर लेके चलो, तो ये देखो उधर लेके चल रहा हूँ तो इधर तो 0 बचा, इधर क्या हो जाएगा देखो भाई, 8x² - 80x - 75x - 75x प्लस का 750। आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो फिर नाउ देखो 8x² तो अकेला ही है बेचा,
75 और 75 150 होते हैं, 150 में 80 ऐड कर देता हूं तो 230 हो जाता है, तो ये हो गया माइनस का 230x और प्लस का 750 इक्वल में जीरो। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है सर, टू ही कॉमन आते हुए नजर आ रहा है, मैंने कहा ले लो भाई, तो टू कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10x प्लस 2 3 जा 6 बचा 15, 7 2 जा 14 5 इक्वल में जीरो, और इस टू को उधर डिवाइड में भेज दो बचा लोग, तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल में जीरो, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब देखो जिसको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया उसके लिए तो एक काम करना पड़ेगा उसको, कि एक्सेस चैप्टर नंबर 3 में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें वाटर टेप या वन डे वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको, उसके एग्जांपल और क्वेश्चन देखो अगर समझना है तो फिर इसको आके देखो तो बहुत आसान लगेगा। हमें बस सिंपली ये पता होना चाहिए कि अकेला आदमी कितनी देर में कितना काम कर रहा है, कंप्लीट काम को कितने दिनों में कर रहा है, फिर उससे हम वन डे वर्क निकालेंगे बस। तो मैंने कहा कि माना मैंने स्मॉलर टेप है वो एक्स आवर्स में कंप्लीट फिल कर रही है अकेली, इतनी हिम्मत रखती है, लार्जर टेप वाली उसको कितने में करेगी, तो उसने क्वेश्चन नहीं कहा है 10 घंटे कम करेगी, वहां पे हम वाई लेते थे, यहाँ पे हमें सिचुएशन गिवन होती है वैसे एक ही वेरिएबल पे काम चलाना होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। फिर हम वन आवर्स का निकालते हैं क्योंकि हमारे को पता है दोनों मिलकर एक काम को करेंगी, तो दोनों उतने घंटे काम कर रही है, 9 होल 3/8 आवर्स, छोटी वाली पाइप भी चल रही है बड़ी वाली पाइप भी चल रही है, और दोनों मिलके काम कंप्लीट करना मतलब टोटल वर्क हमारा वन यूनिट रहता है, इसलिए हम यहाँ पे वन लिखते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, जैसी भी बात आपके मन में हो वो कमेंट करके बताएं। ओके बच्चा लोग, थैंक यू फॉर हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।